हैदराबाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। अचानक से रविवार के दिन जब पूरा देश अमूमन छुट्टियां होती हैं, सरकारी कार्यालयों में छुट्टी होती है, स्कूल कॉलेज तो अभी यूं ही बंद चल रहे हैं, तो अमूमन रविवार को पूरा देश आराम ही कर रहा होता है। अचानक से चाईबासा की चर्चा पूरे देश में होने लगी। क्यों होने लगी? चाईबासा में कोल्हान देश बनाए जाने की मांग कर रहे हजारों लोगों ने मुफस्सिल थाने का घेराव कर दिया। अलग कोल्हान देश की मांग कर रहे थे, वो कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट इनकी मांग थी। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बचाव में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना के बाद चाईबासा में भारी तनाव पैदा हो गया। मौके पर चाईबासा एसडीपीओ दिलीप खलखो और एसडीओ शशिंद्र बड़ाइक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अभी भी उस पूरा चाईबासा यूं समझ लीजिए कि उसे एक सैनिक इलाके में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले उस दिन हुआ क्या, रविवार को हुआ क्या है और क्यों हुआ है, इसे समझाती हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम एक बार झारखंड के इतिहास में चलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। देश की मांग, कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की मांग, कोल्हान में समानांतर सरकार चलाकर शिक्षक और पुलिस के नाम पर बहाली का काम कर रहे कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के समर्थकों ने रविवार को चाईबासा में जमकर बवाल काटा। तीर, धनुष, तलवार, लाठी, डंडों से लैस समर्थकों ने चाईबासा मुफस्सिल थाना को घेर कर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसडीओ समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। उग्र होती भीड़ को देख पुलिस को लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। थाने का घेराव कर रही भीड़ को सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने समझाने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। थाने पर तीर से हमला कर पथराव शुरू कर दिया। इसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के एक जवान ब्रजभूषण मिश्रा के पेट में तीर लग गया, जिससे गंभीर हालत में जमशेदपुर के TMH रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायल पुलिसकर्मियों का चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पहले से 8 लोग गिरफ्तार किए गए। स्टेट के नाम पे कुछ लोग जो हैं यहाँ के युवाओं को बहाली करने के एक इन्होंने बहाली करने के नाम पर कुछ विज्ञापन दिया था और लड़कों को बुलाया था और बुला के उनसे पैसा लिया जा रहा था। फॉर्म के नाम पे 50 रुपया, इंश्योरेंस के नाम पे 300 रुपया और उनको फर्जी जो है नियुक्ति देने की बात आई। इसी का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु आज SDO के नेतृत्व में हमारी टीम गई, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, करीब 40-50 लड़के थे और कुछ ऑफिस में बहुत सारे कागजात मिले हैं, फर्जी कागजात मिले हैं और बहुत सारे स्टाफ मिले हैं, तो उनको हिरासत में लेके आज पूछताछ की जा रही थी। ये कहानी शुरू होती है 30 मार्च 1980 से। ये दिन रविवार था। सुबह होते ही चाईबासा की सड़कों पर आदिवासी जुटने लगे। जैसे जैसे दिन चढ़ा इनकी संख्या बढ़ने लगी। इन लोगों ने 1837 के विल्किंसन रूल का हवाला दिया। इन्होंने अलग कोल्हान स्टेट की मांग करते हुए इसे एक स्वतंत्र देश बताया। इनका कहना था कि कोल्हान पर भारतीय गणराज्य का कोई अधिकार नहीं था। तब उन्होंने ब्रिटेन की सत्ता के प्रति अपनी आस्था जताई थी। कोल्हान तब अविभाजित बिहार राज्य का एक प्रमंडल था। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम इसके अधीन थे। जी की वजह से लोग भाव आवेश में आकर कुछ घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन जब आदमी को समझ आती है तो समझ के साथ जो है सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना समझी है या कुछ लोग भोले भाले सीधे साधे लोगों को अनावश्यक रूप से अपने निहित स्वार्थ के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन जब लोग ये समझेंगे कि
किन लोगों के माध्यम से किस तरीका का प्रतिवाद हो रहा है और वो प्रतिवाद का क्या वजह है, तो मुझे लगता है सब स्थितियां सामान्य हो। देखिए, दुखद घटना है, अभी तो पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्या साजिश है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, पुलिस उस काम में लगी है। और जहां तक इस तरह की घटना की बात है, ये पहले भी एक बार हुआ था और उस पर कार्रवाई हुई थी, फिर से एक बार पुलिस ने कार्रवाई की है। और हम समझते हैं, दुखद है और गलत है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के लोगों को नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी करने का काम करें, नौकरी के नाम पे ये बताने का काम करें कि हम गवर्नमेंट हैं, हम सरकार हैं, तो उसको सरकार अपने तरीके से देख रही है। और अब इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, हर आपात स्थिति के लिए पुलिस ने कमर कस रखी है। आज सुबह से हम लोग चारों तरफ फोर्स लगा लिए हैं और सिविल में भी हमारा सभी सिटी में और बाकी जगह निगरानी रख रहा है सिविल में। उसके बाद हम लोग आज पूरे दल बल के साथ आज सख्ती से निपटेंगे जो भी उपद्रवी उस तरह का आएंगे, और फोटो के द्वारा पहचान किया जा रहा है और लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। फिलहाल ये पूरा इलाका एक बम पर बैठा है, इस विद्रोह को समझना बेहद जरूरी है। इस विद्रोह के गर्भ में जाकर तैयार हो रही अशांति को कुचलना है, कानून और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रहना बेहद जरूरी है। चाईबासा से न्यूज 11 भारत के लिए उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। किसी भी घटना को समझने के लिए उस घटना के अस्तित्व को समझना जरूरी होता है, और झारखंड जैसे राज्य में झारखंड के इतिहास को जाने बगैर आप समझ नहीं सकते हैं कि वो असल में उस घटना के मूल में है क्या। आपको यह दिख रहा होगा कि ये एक अलग देश को लेकर के बवाल है, कोल्हान सेपरेट स्टेट की मांग है, लेकिन ये मांग आई कहाँ से, अचानक से रातों रात तो ये शुरू नहीं हुआ होगा। तो आखिर इस घटना के गर्भ में क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो झारखंड के इतिहास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, झारखंड की मिट्टी से जन्मे हैं, झारखंड की मिट्टी की खुशबू उनके अंदर बसी हुई है, यानी जो लोग झारखंडी हैं हम उन्हीं से समझेंगे इस चीज को। देखिए, हमारे साथ स्टूडियो में प्रेमचंद मुर्मू साहब मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में पुष्कर महतो साहब भी मौजूद हैं। साफ और सटीक परिचय मैं इतना दे देता हूं कि दोनों के रगों में झारखंडी खून है। साफ और सटीक इतना परिचय दे देता हूं कि झारखंड के इतिहास के बारे में दोनों को काफी जानकारी है। झारखंड के बारे में मुझे जब कुछ समझना होता है, जानना होता है, तो मैं भी कई बार प्रेमचंद जी को फोन करता हूँ समझने के लिए कि दादा इसमें है क्या। मैं दोनों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ। प्रेमचंद जी, जिस इलाके से ये चीजें घटनाएं सामने आ रही हैं, वो तो इलाका ही आपका है, उस क्षेत्र से ही आप बिलोंग करते हैं, क्या लगता है, मतलब हुआ क्या होगा और क्या इस घटना के मूल में क्या है, सर कैसे समझे इसको? आज अभी स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, आज खास करके कोल्हान एरिया जिसको हम सिंहभूम कहते हैं, पश्चिम सिंहभूम कहते हैं, ये घटना आज से कई वर्षों पहले आई थी और हमें तक जहाँ तक याद है, अगर इसको हम इतिहास में ढूंढने का कोशिश किए करें तो हमें याद है कि अकबर के समय मुगल शासन के समय एक सेनापति हुआ करते थे अकबर के, उनका नाम था वीर मान सिंह, और उनके नाम से उनको यहाँ वसूली के लिए भेजा गया था। अच्छा, मानसिंह को भेजा? मानसिंह को, मानसिंह को उसको अधिकार यहाँ पर वसूलने के लिए दिया गया था, और उन्हीं के नाम से वीरभूम बना, मानभूम बना और सिंहभूम बना, जो आज पश्चिम सिंहभूम के अंदर था, कोल्हान का ये हुआ। तो इतिहास वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, और ये लोग एक तरह से, मैं पढ़ता था जब झारखंड का डिमांड किया गया, इसमें एक बात लिखी हुई थी, एस सी रॉय ने लिखा था मुंडा एंड देयर कंट्रीज में, कि दिस पर्टिकुलर, ये जो एरिया है ये प्रतीत होता है झारखंड का जो एरिया है, कि हिंदू के लंबे शासन, हिंदू प्रशासन के शासन के लंबे शासन काल में ये प्रतीत होता है कि इसको कभी छुआ नहीं गया। अच्छा, इस इलाके को छुआ ही नहीं गया है, ये लोग आज़ाद थे, अपनी जो रीति नीति, अपनी जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार चलते थे ये लोग, ये पुरानी बात है। आज स्थिति हमें याद है कि 1764 में, 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, वो तो फाइनल बैटल कहते हैं इसको, और इसके बाद खास करके जो
बंगाल का एरिया है, उड़ीसा और बिहार का ये इलाका है, यहाँ जो ब्रिटिश ने कब्जा किया उसके बाद इस इलाके में उसने प्रवेश किया जो कि तब तक स्वतंत्र था बिल्कुल, तो ये स्थिति वहाँ से शुरू होता है। अच्छा ठीक है। 1864 के बाद, 1764 के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद, और उन्होंने उस समय, थोड़ा समय इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी बताइए। इस बीच में दो तीन आंदोलन हुए, खास करके 1832 में कोल्हान विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह जिसको कहते हैं, कोल विद्रोह। उसके बाद 1855 में संथाल हूल हुआ जिसको हूल, कहते हैं हूल, और इसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग अपने जमीन के लिए, जल जंगल जमीन जो आज खुलते, उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, जैसे देते हैं या तो दे देंगे, वो तो देख ही रहे, लेकिन झुकने वाले नहीं है। और अंग्रेजों ने क्या किया कि जब कब्जा होने के बाद, चूंकि उनके पास इंग्लैंड से तो कुछ लाया नहीं था, और उनको जब कब्जे में आ गया देश, ये एरिया, तो उनका एक ही स्रोत था कि टैक्स वसूली, आई मीन जमीन का। ये लोग स्वतंत्र, इनको पता भी नहीं था टैक्स होता क्या है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने चाहते ना चाहते टैक्स देना शुरू किया, और चलते 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 ये आक्रोश मन में फैलता गया। पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, इस एरिया में भी ये बात आई, छोटानागपुर एरिया में बात आई। और 1874 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, बहुत विशेष कानून, जिसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कहते हैं। अच्छा। माने अनुसूचित जिला, उस समय दो जिले बनाए गए, खासकर संथालपुर और छोटानागपुर, छोटानागपुर के अंदर ये एरिया आता था। और इसमें एक बात कहा गया, तो ऑटोनोमी दिया गया अंग्रेजों के समय में। अच्छा। अपने मामले, जो जिसको कहते हैं कि उसके जो भी मामले थे, उनको अपनी परंपरा के अनुसार, मैंने उसमें कन्वेंशन और ट्रेडिशन के अनुसार उनका, आई मीन ये कर सकता है, अपने ट्रेडिशनल तरीके से सोल्यूशन कर सकता था। और उस समय तो इलेक्शन की कोई बात नहीं थी, सिलेक्शन लोग करते थे। तो ये व्यवस्था बहुत पुरानी थी, सदियों पुरानी आ रही थी, जो अंग्रेजों के आने के कई वर्षों पहले से ये व्यवस्था चल रही थी, और शांतिपूर्वक शांति में लोग थे। लेकिन धीरे धीरे जब हस्तक्षेप होने लगा तो लोग विद्रोह करने लगे। अच्छा। और अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा, और 1832 के बाद विद्रोह, जो कोल विद्रोह हुआ, तो इसके कुछ साल के बाद ये महसूस किया गया, उसमें विल्किंसन आए, थॉमस विल्किंसन, लॉर्ड विल्किंसन, और इनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई इसको संभालने के लिए, कुचलने के लिए भी ये कर सकते हैं, लेकिन लोग रुके नहीं, और इन्होंने विल्किंसन रूल बनाया। ये जो पुरानी व्यवस्था, कब्जा तो हो गया था, और इनकी जो परंपरा चल रही है, सदियों से इनका कन्वेंशन चल रहा है, उसके अनुसार ही उनको एक अधिकार दिया गया, जो मान की मुंडा सिस्टम था, और टैक्स तो लेना था, और टैक्स लेने की स्थिति में उनको एक रुपया संभवतः वसूलने के लिए दिया गया, इसमें से एक आना उनके हक में जाएगा, बाकी जमा किया जाएगा सरकार के में। तो इस तरह से स्थिति बनती गई, और मानकी के तो 10-12 गांव के जो हेड होते थे, मुंडा लोग थे, तो उनके ऊपर मानकी हुआ करता था। तो अपनी जो भी मामले थे, अपने मामले को निपटारा करने के लिए कुछ मामलों को छोड़ करके, जैसे हत्या का मामला या तो कुछ और मामले को छोड़ कर, बाकी ये मुंडाओं को अधिकार दिया गया और निपटारा कर सकते हैं गाँव के लोगों के लिए। तो ये स्थिति चलती रही, चलते 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 ये स्थिति चलती रही। और देश जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद, ये हम जैसे मालूम है कि समाहित किया गया देश के अंदर में पूरे राज्यों को, जितने भी रियासत थे, सारे रियासतों को एक किया। हाँ, लेकिन ये विशेष रियासत जो यहाँ थी, इनको, इनका ये नहीं दिया गया, सबमिट नहीं किया गया, और ये डायरेक्ट इनका मानना था कि हम अभी भी स्वतंत्र हैं। और अच्छा, जो जो रानी है, महारानी इंग्लैंड की, उन्हीं के अंदर, जो डायरेक्ट कंट्रोल उन्हीं के अंदर में हम हैं, रहेंगे। तो ये स्थिति बनी उस समय, ये विशेष, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब सभी रियासतों का एकीकरण किया, तो ये रियासत जो थी, ये रियासत ये शामिल नहीं थी। हाँ, इनका डायरेक्ट कंट्रोल उन्होंने माना कि हम डायरेक्ट क्वीन के पास था, क्वीन के पास है, ये स्थिति बनी। तो यहाँ पर छुपा है ये मूल। पुष्कर मेहतो साहब, कुछ और इसमें कुछ एड ऑन है, कुछ अलग? हाँ, ये तो छुपाई गई नहीं, लेकिन एक बात है, ये जानकारी की बात है कि महारानी से ये लोग पत्राचार किए थे। अच्छा। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कि आप पोटा हो के लोग, नारो हो थे,
और कई साथी थे जो लोग जबरदस्त ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़े, रिवोल्ट किया था उन्होंने, रिवोल्ट किया और 1937 आसपास उनको वो फांसी भी हुई थी। उस तरह से फिर आज़ादी के लड़ाई में भी जब देखेंगे तो उस क्षेत्र के लोग भी कई साथी हुए जो फ्रीडम फाइटर के रूप में हुए, जो लोग जिसमें मंगल प्रसाद है, रामचरित्र मिस्त्री है, चूरन पासवान जी है, रामहरि साव है, राम प्रवेश प्रसाद है, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर हुए। तो आप समझ सकते हैं एक व्यवस्था वो थी और एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे लोग। तो बहुत अद्भुत आप बात बता रहे, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई एक अलग चल रही थी, हाँ, और ये लड़ाई जो थी ये एक अलग चल रही थी, वही क्षेत्र के लोग लड़ रहे, हाँ, ऐसा नहीं कि अलग क्षेत्र के लोग, हाँ, 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 वही क्षेत्र के लोग लड़ाई लड़ रहे थे जो देश की आजादी के लिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि वो लोग सेपरेट कोई अलग स्टेट की मांग कर रहे, वो देश के लिए ही लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये जानकारी की बात है। और उसमें कई लोग संघर्ष के दौरान कई लोग शहादत भी दिए, बलिदान भी हुए, अच्छा, है ना, जिसको आज इतिहास में हम लोग उनको नाम है, अभिव्यक्ति की आजादी देखिए सबको है, हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है, और अपने अभिव्यक्ति के आजादी के तहत लोग जीते हैं, मांग भी करते हैं जी। और मांग भी कर रहे हैं देश दुनिया के अंदर में, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम सोवरेनिटी कहते हैं, सोवरेनिटी का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, ना होता है, उस देश का एक सोवरेनिटी होता है, एक संप्रभुता होता है। अगर हम सोवरेनिटी की मांग अगर अलग से करते हैं कि नहीं हमको मिलना चाहिए, तो ये बातों को जानकारी होनी चाहिए कि हम किस व्यवस्था के तहत मांग कर रहे हैं। या तो जैसे कि आपको एक उदाहरण बताना चाहेंगे, झारखंड अलग राज्य बना, तो अलग राज्य बना तो कुछ ऐसे एसेट झारखंड में रह गए जो बिहार सरकार के अधीन अभी भी है, अच्छा, इसका मतलब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि झारखंड से बिहार अलग ही नहीं हुआ। तो इन बातों को जो भूल हुई है, जो छूट गए हैं, इन प्रकरण से उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तो उसी तरह से विल्कियनसन रूल जिस समय की बातें कही जा रही है, प्रेमचंद जी बताएं, बता रहे हैं, तो एक गांव के लोग, कुछ मानकी मुंडा के लोग उस समय इस बात का, जो जिस गांव का बात कर रहे हैं, मंजारी गांव का जो बातें कही जा रही है, तो वो गांव जो था वो वहां के लोग या वो गांव या जगह अस्तित्व में नहीं था। अच्छा, अगर अस्तित्व में होता तो जो बातें आज बवाल हो रहा है ये बवाल खड़ा नहीं होता आजादी के बाद से, ये सिर्फ उस गांव का, उस क्षेत्र के लोग का अस्तित्व में नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ था। नहीं तो आप जान सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश के प्रथम आपका होम मिनिस्टर बने, गृह मंत्री बने, तो एक से एक रियासत थे जो काफी, जिनका इतिहास में आप देखेंगे कि जो नहीं मान रहे थे उनको भी मनवाया गया था। 567 रियासतों का एकीकरण हुआ, एकीकरण हो गया था। इसी में किसी एनकेन प्रकरण से छूट गए होंगे, इनको छूट गया माना जाना चाहिए, और ऐसे नहीं कि इस देश के अंदर में कोल्हान के लोगों के साथ में कोई भेदभाव की बातें नहीं है, उनको भी आप अभी जो कर रहे हैं, तो आपको अपने इतिहास के जानना चाहिए कि मतलब ये जानकारी का अभाव है सर, जानकारी के अभाव कहेंगे हम इसको। नहीं तो आप बताइए कि उनको जिस प्रकार के कोल्हान के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, तो क्या जो लड़े थे वो लोग बेकूफ थे? आखिर में वो लोग भी अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, अबुआ राज मतलब अपना देश, अपना शासन की लड़ाई कर मांग कर रहे थे, उसी को हम स्वशासन कह सकते हैं, उसी को हम लोग स्वराज की बात कर सकते हैं, तीनों सेम वर्ड है, एक ही चीज है। तो जो लोग आज जिस प्रकार से इस प्रकार के मांगे कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के आजादी के 73 इयर्स होने को है, उस दौरान में ये सब मांगे हो रही है, तो इसको सुधारना चाहिए। और सबसे पहले तो सरकार को भी एक मध्यस्थता करना चाहिए कि आखिर में इस तरह से बातें क्यों आ रही है, और अचानक से ये बातें घटना नहीं घटी चाईबासा में आज, इससे पहले लोगों ने ज्ञापन दिया है, राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया गया है, कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया गया है, जिला प्रशासन को सूचना, सीरियसली लिया नहीं इन सब चीजों, तो
ये तो और ये सरकार के इंटेलिजेंट है, उनको गंभीरता से लेना चाहिए था कि आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा मामला है? मतलब जानकारी का ही अभाव समझा जाए इसे? ये सही माने में सरकार की तरफ से मैं क्या कहूँ तो क्या कहूँ, कभी ध्यान ही नहीं गया जरा, और ये जानकारी थी उनको, और ये स्थिति जो बनी है, हमें याद है कि 1981 में तीन लोग खास करके नारायण जोंको, अश्वनी कुमार समैया और सी ए तोपनो, ये लोग गए थे जेनेवा, अच्छा, इसी विषय पे लेकर के, और अच्छा, ये जेनेवा तक गई हुई है, जेनेवा तक गई हुई है, तक गए थे, वापसी में इनको पकड़ा गया, जेल भी किया गया, और इसमें कुल्हान रक्षा संघ के किसी किसी हेम्ब्रोम थे, अच्छा, तो दो लोग को पकड़ा गया और ये तो अंडरग्राउंड हो गए, ये बातें चलती रही और संज्ञान में था, सरकार के संज्ञान में था, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है झारखंड, जैसे हमने कहा कि 1874 में जो कानून बना, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक दो जिले थे उस समय, और इन्हें जो ऑटोनोमी दिया गया उसमें कहा गया है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, उस जो एक्ट बना इसमें कहा गया है कि सर्टन डिग्री ऑफ ऑटोनोमी अकॉर्डिंग टू द पीपल लिविंग इन दिस एरिया टू रेगुलेट देयर अफेयर अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। ये दो बातें बहुत एक कही गई क्योंकि सदियों से चला आ रहा था, तो इस पे ये चलते चलते इसी आधार पे जो देश अलग हुआ और ये राज्य जो बने, खास करके झारखंड में पहले दो जिले थे, उसके बाद सात जिले का निर्माण हुआ, सात जिले बने, और जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, वहीं से उसी को ड्रॉ करके शेड्यूल एरिया का निर्माण किया गया है, उसी को आधार बनाया गया, एक्चुअली वहीं से लाया गया ये जो आज हम शेड्यूल एरिया कहते अच्छा। हैं, तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से लाया गया, और झारखंड की परिकल्पना जो बड़ी झारखंड की कल्पना की गई वो वहीं से आया है एक्चुअली अच्छा। तो उस समय जो जितने जितना बड़ा जो राज होता है जिसमें उड़ीसा के राज कुछ जिले थे, मध्य प्रदेश के कुछ जिले थे, ये बृहद स्वरूप था अच्छा। और यहीं से झारखंड का डिमांड जो किया गया बृहद झारखंड, एक्चुअली शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में जो ये बनाया गया था वहीं से ड्रॉ किया गया अच्छा। है और वहीं से शेड्यूल एरिया की, तो जो प्रावधान दिए गए थे एक्चुअली जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में दिया गया, जो अनुसूची पांचवी अनुसूची बनाया गया, इसमें संविधान के 244(1) में वर्णित है इसको, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पांचवी अनुसूची का जो प्रावधान, उसका जो शासन और नियंत्रण ये अनुसूचित क्षेत्र के लागू है, पांचवी अनुसूची के अंदर आता है और आदिवासियों के लिए होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भूल चूक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। पुष्कर महतो साहब जी, प्रेमचंद मुर्मू जी ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया पांचवी अनुसूची से जोड़ करके कि देखिए कहाँ पर चूक हुई है। पुष्कर महतो साहब इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है? देखिए एक महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान आकृष्ट कराया है कि झारखंड अलग राज्य का कोई नई मांग नहीं रही बृहद झारखंड को लेके, आपको 1908 में बातें उठी सबसे पहली बार, उसके बाद 1912 में उठी, उसके बाद आपको बता देना चाहेंगे कि अभी 1940 में जब आपका जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, तो उस दौरान में जयपाल सिंह मुंडा ने वहाँ गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, उस समय उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से बात किए और लोगों से भी बात किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से मदद की मांग की, सहयोग करने की बात की कि अभी देश के अंदर में सबसे पहले हम लोग अपना एक देश अस्तित्व में ले आते हैं, अलग देश हो जाता है हम लोग का, देश बनने के बाद हम लोग सेपरेट स्टेट की बात करेंगे, झारखंड अलग राज्य की बात करेंगे, ये बातें हुई थी 1939 में। जयपाल सिंह मुंडा ने खुद सभा की, सभा हुई थी उनकी हिंदपीढ़ी के, रांची में हिंदपीढ़ी में बड़ी सभा हुई थी, और जो राज्य बने संविधान के धारा 3A के तहत में अच्छा। जिसमें भाषा और संस्कृति के आधार पर कोई भी राज्य का गठन होता है, जिसके तहत ये गठन हुआ, लेकिन अलग देश की बात, एक देश के अंदर में एक और एक नया देश का मांग किया जाना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। और जो लोग, मुझे तो सबसे विडम्बना लगे कि रामो बिरुआ जो था एक बड़ा अधिकारी बिहार सरकार में हुआ करता था अच्छा, अभी भी रामो बिरुआ तो मर गए। वो जवान, वो आदमी ने, एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी ने इस बात को उठाया, बिहार सरकार में बड़ा अधिकारी था, और उन्होंने कुछ लोगों को
भ्रमित किया, जिसको बोलेंगे झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में लोग सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जिनको गुमराह किया गया। नहीं तो आज कोई भी आदमी जो इस हिंदुस्तान को समझता है, इस भारतवर्ष को समझता है, वो आदमी अलग से सोवरेंटी की मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ सारे भी भारत सरकार के जितने प्रकार के सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं, सारे कुछ वहाँ लागू है, जिसका सारा लाभ वहाँ पर ले रहे। आप वहाँ पर जाके टीचर की बहाली करने लगे, आप वहाँ जाके आप पुलिस की बहाली करने लगे, ऐसा तालिबान ने एक पार्लर सरकार चलाने की बातें करना, ये न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में एक पहल करनी चाहिए और उनके जो विषय है उस पर बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर किसी तरह के भ्रम में हैं तो उनके अंदर में जो भ्रांतियां हैं उनको स्थानीय स्तर पे भी सोल्यूशन करना चाहिए, राज्य सरकार को भी पहल करना चाहिए और एक बुद्धिजीवियों के साथ भी एक बैठक होनी चाहिए, एक त्रिस्तरीय कमेटी भी बननी चाहिए जिसके साथ वो बैठक हो, सरकार के लोग हो, सरकार के प्रशासन के लोग हो और गांव के लोग हो, जो लोग ये दावा करें बैठक से ही ये सोल्यूशन होना चाहिए। जब तो सिर्फ जो मन में क्वेरीज हैं, जो गलत फहमियां हैं उनको ही, मतलब उनका जवाब ढूंढ के ही इसका संभव है ना। हाँ हाँ, और तो इसका कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है। प्रेमचंद जी क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस पे? देखिए, मैं दोष देना ना चाहूंगा लेकिन मेरा विश्वास है कि संविधान में सारे प्रावधान दिए गए हैं, जैसे खास करके यहाँ पांचवी अनुसूची, तो बृहद झारखंड, ये झारखंड जो है, झारखंड अलग होने के बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दो जिला हमने जैसे कहा, बाद में सात जिले बने, अभी 24 जिले हैं। 24 जिलों में ये 13 जिले पूर्ण रूप से पांचवी अनुसूची के अंदर में आते हैं। इनका जैसे हमने कहा शासन और नियंत्रण, इस पे एक TAC होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो ये कल्याण और विकास के लिए मामले देखता है और ये अपना विचार विमर्श करके गवर्नर कस्टडियन होता है यहाँ का, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहते हैं, उसको दे करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो अब तो गवर्नर नहीं है ना झारखंड में इसके कस्टडियन? नहीं नहीं, गवर्नर एक्चुअली संविधान में प्रावधान है, संविधानिक प्रावधान है, संविधानिक प्रावधान है। इसमें मैं बताऊँ, पार्ट बी में है, 244 का पार्ट बी का 1 में है, उसमें कहा है कि ये 20 मेंबर होंगे इसमें, उसको 1874 से समझे कि जो पांचवी अनुसूची की व्यवस्था की वहां से लाया गया है, और ये आदिवासियों के लिए कल्याण और विकास के लिए विशेष रूप से ये अपना परामर्श देगा गवर्नर को, और गवर्नर ही करेगा। और इसमें दिया गया है जितने भी, जो भी गवर्नर के अंदर में ये संविधान के 4(3) में व्यवस्था दिया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पर जो 20 मेंबर होंगे इसमें से अपॉइंटमेंट जो होगा, सर थोड़ा जल्दी से कंफर्म कर, अपॉइंटमेंट जो होगा गवर्नर ही करेगा, गवर्नर ही करेगा, उनको चेयरमैन गवर्नर ही करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, तो इसका प्रभाव दुष्प्रभाव तो पड़ता है, तो ये गलत प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें सरकार की मैं कहूंगा जिम्मेदारी देखना, सारे संवैधानिक प्रावधान जो दिए, अगर होगा हम तो क्या कहें, तो हमें विश्वास है कि ये शांतिपूर्ण स्थिति आएगी, जैसे कि पेशा कानून 96, मैं थोड़ा इंट करता हूँ, पेशा 1996 में आया यहाँ पर, यहाँ के आई मीन शेड्यूल एरिया के लिए, लेकिन उसको आज भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आज इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। इससे मेरा विश्वास है कि जो यहाँ पर जो व्यवस्था, जो स्थिति बनी है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन होना चाहिए अभी बहुत भी। शुक्रिया प्रेमचंद, बहुत शुक्रिया पुष्कर महतो साहब, आपने अपना समय दिया, और सबसे बड़ी बात की आपने झारखंड के जो मूल में है, झारखंड गठन से लेकर के आज तक, तो ये हिंसा, इसका समाधान क्या और ये हिंसा भड़की कहाँ से, ये समझाया, सतही बातें आज नहीं हुई, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो डंके की चोट में देखिए, इतनी सी बात कह रहा हूं कि झारखंड हमारा है, इस झारखंड को कुरूप मत करिए। अगर मन में कुछ क्वेरीज हैं संभव है, अगर मन में कुछ समस्याएं हैं संभव है, इंसान है, इंसान के मन में समस्याएं होती हैं, लेकिन झारखंड भारत देश का एक ऐसा अंश है जिसके मर्म में वीरता भी है और शांति भी है, तो उस वीरता को दिखाना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाना है, और शांति को दिखाना है तो बस इस झारखंड के मर्म को समझ करके और उस शांति को दिखाना है। अलग देश की मांग जो है थोड़ी सी बचकानी लगती है, इसे थोड़ा सा समझिएगा। हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बातचीत ही हर समस्या का समाधान है, बातचीत के रास्ते पर आइए, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था हिंसा परमो धर्म, बस महात्मा गांधी को याद रखिएगा। नमस्कार, जोहार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।